आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं हूं पुलवामा पे और पुलवामा का ये जो हाईवे है जो आप देख रहे हैं ये ठीक वही हाईवे है जहां पे 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और सीआरपीएफ की एक बहुत ही बड़ी कॉन्वॉय यहां से चल रही थी जिसमें तकरीबन 75 गाड़ियां थी जो तकरीबन 2500 सोल्जर्स को कैरी कर रही थी। और तब यहां पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हुए थे। और ये वो स्पॉट है और आज वो जो अटैक है उसकी एनिवर्सरी है। और इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी इस मुद्दे पे बात की और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए जाने दी है उनका जो सैक्रिफाइस है हमेशा याद रखा जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों का हुजूम है, मुख्तलिफ पार्टी से यहाँ पे लोग आए हैं और इस दिन को और उन लोगों की शहादत को वो याद कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे नेशनल फ्लैग जो है वो होस्ट किया है। साथ ही साथ मीडिया की भी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और फ्लैग उन्होंने चढ़ाया है ताकि जो लोग जिनकी जानें इस हादसे में चली गई हैं उनको एक हिसाब से वो ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। जी हमारे साथ यहाँ के एक लोकल है जिनको पता है कि कैसे वो पूरा इंसिडेंट हुआ था। जी सर बताएं। सर जब ये 14 फरवरी का दिन था ना उस दिन यहाँ हमारे 40 जवान आर्मी के शहीद हुए थे तो इसीलिए हमारे ये बहुत सारे लोग यहाँ आ गए उसी दिन को मनाने के लिए यहाँ।